प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट द सेकंड चैप्टर. ठीक है, टुडे वी विल गोना डिस्कस फ्रॉम बुक हॉर्नबिल द थर्ड चैप्टर. थर्ड चैप्टर पार्ट फर्स्ट डिस्कवरिंग टूट. टूट एक राजा का नाम, इजिप्ट के बहुत फेमस राजा है, जिनकी कम एज में मृत्यु हो गई है. ठीक है, उन्हीं लोगों से उनकी खोज के लिए. ठीक है, कैसी खोज, जैसे आर्कोलॉजिकल सर्वे जो करते हैं. ठीक है, मम्मीज वगैरह को खोद के, या फिर बोल सकते हैं जमीन को खोद के कुछ तत्व निकालते हैं उसमें से, और उसके बारे में बताते हैं कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ. तो उसी के ऊपर से पूरा चैप्टर 10 आगा कंटिन्यू. ये जो गाथाएं ऐसे चलती रहेंगी. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आज भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि आर्कोलॉजिकल सर्वे क्या करते हैं, कि उसे निकालते हैं, समझते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अभी लेटेस्ट में राम मंदिर का मुद्दा चला, उसके नीचे से तत्व निकाले गए, पता लगा कि हाँ उनके नीचे कुछ मंदिर के अंश पाए गए या पार्ट पाए गए उसी के बेसिस पे. इजिप्ट के राजा थे. ठीक है, और बहुत टीन एज में इनकी मृत्यु हुई थी, और उसी मृत्यु के ऊपर रिसर्च करने के लिए आर्कियोलॉजिकल और अलग अलग जो कंपनियां होती हैं उनमें सर्वे करा कि इनकी मृत्यु ऐसे कैसे हुई थी इतनी कम एज में, टीन एज में. तो वो मृत्यु थी या मर्डर था, उसके सर्वे के लिए उनकी मम्मी को उनके जो कॉफिन से बाहर निकाला गया उस पर सर्वे करा गया, उस पर रिसर्च करा गया, एनालिसिस किया गया कि ये मरे थे या मार दिए गए थे. मार दिए गए थे तो क्यों मार दिए गए थे, मरे थे तो कैसे मरे थे, कोई बीमारी से मरे थे इतने टीन एज में, क्योंकि वो लास्ट रूलर थे उनके उनके वंशज के, इजिप्ट मतलब उनकी जो फैमिली थी उसमें सबसे लास्ट थे और इतनी जल्दी कैसे मर गए थे. तो ये सारी जो मिस्ट्रीज है बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए उनको उनकी मम्मी मतलब जो उनकी मम्मी है उनकी कॉफिन में से बाहर निकाला गया, जो उनकी डेड बॉडी जो अंश है उसे बाहर निकाला गया. और बाहर निकालने के बाद उस पर एनालाइज करा गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने. ठीक है, अब उस पर सर्वे जो हुआ उसके कुछ रिजल्ट हैं क्या है, लेट्स सी. ठीक है, डिस्कवरिंग टूट. यस, पेज नंबर है 22 आपका बुक का. ठीक है, चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यू. ए आर विलियम्स. ठीक है, ही वॉज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड. ठीक है, जब वो टीनेजर्स थे मतलब 13 to 19 के बीच में होंगे जब वो मरे. ठीक है, अब एग्जैक्ट क्या है वो नहीं पता. द लास्ट हायर ऑफ ए पावरफुल फैमिली हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर द सेंचुरी. ठीक है, लास्ट मतलब जो करता धरता जिसे बोल सकते हैं सब कुछ, वो लास्ट थे किसके, इजिप्ट फैमिली के, जो सेंचुरी से रूल करते हुए रहे, सेंचुरी से रूल करते हुए. इजिप्ट कहाँ है आपके बुक में, एक वो दे रखा है पीछे की साइड में बैठा मैप, तो वहाँ पर बता रखा है कि ये अफ्रीका, अफ्रीका के पार्ट में ये इजिप्ट है, और यहीं पर इनको टॉम्ब ऑफ जो इनकी क्या बोलते मकबरा है जहाँ पर इनको दफनाया गया था, वहीं पर ये सारी खोज कर रहे हैं, और यहीं का ये पूरा सिनारियो है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा इमेजिन आप करके चलना. ठीक, नेक्स्ट, ही वॉज लेट रेस्ट लेटन विद द गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगेटन. ठीक है, उनको जब दफनाया गया था तो उनके साथ में बहुत सारा गोल्ड वगैरह था. ठीक है, तो दफनाया गया था जब तो उनको गोल्ड के साथ में दफनाया गया था. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922 द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेक्यूलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी. ठीक है, उन्हें 1922 में फर्स्ट टाइम जब निकाला गया था उनके टॉम्ब से मतलब उनके मकबरे से, उस टाइम पे से एक्सपेक्टेड कराया गया था, मतलब सर्च करा गया था कि एनालाइज करा गया था कि कैसे इनकी मृत्यु हुई है, और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पॉसिबिलिटीज थी वो ऐसा था कि इनका इनका शायद मर्डर हुआ है. ठीक है, और इनको इनको मार दिया गया था, अब उसी को वापस दोबारा से करने के लिए. अब ये जो सर्च है बेटा दो तीन फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जो 1922 में करी गई थी, ठीक है, उसके बाद में इन्हें दोबारा से दफना दिया गया था. अब जो नई एक और हो रही है वो है 2005 में, तो दो सिनेरियोज है. ठीक है, तो दो सिनेरियोज को लेके चलेंगे हम लोग. ठीक, नाउ लिविंग द हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम ऑलमोस्ट 80 years, अब 80 साल के बाद में इसे दोबारा से मतलब निकाला जा रहा है. टूट हैज अंडरगोन अ सिटी स्कैन दैट ऑफर अ न्यू क्लू अबाउट हिज लाइफ डेथ एंड प्रोवाइड्स द प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फॉर फेरोज. ठीक है, अब फेरोज नाम का एक जो है रिसर्चर, वो उन्होंने इसे वापस फॉरेंसिक रिसर्च के लिए, जिसमें सिटी स्कैन वगैरह होगा, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई. 1922 में कुछ और टेक्नोलॉजीज थी उस टाइम पर, और कुछ तरीके से जांचा जाता था, बट आजकल बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई, MRI, सिटी स्कैन. ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिसके बारे में पता लगाया जा सकता है कि कैसे मरा था, क्या प्रॉब्लम थी, कैसे इनको क्या हुआ था. ठीक है, तो एक जो पॉसिबिलिटीज थी वो मर्डर्स की,
मर्डर की थी या फिर सही में भी नेचुरल डेथ थी, उनकी नेचुरल डेथ थी तो इतनी कम एज में कैसे मर गए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन उनके मन में थे। तो ये 1922 में फर्स्ट टाइम इन्हें बाहर निकाला गया था। उसके बाद में आप 2005 में 80 साल के बाद में अगर बात करें तो बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। एन एंग्री एंग्री विंड स्ट्रिप्ड अप द कॉस्टली डस्ट डेविल्स एज द किंग टुक वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशिएंट इजिप्शियन सिमेट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स। वैली ऑफ द किंग्स एक जगह का नाम है जो आपके मैप में दिखाया गया है। यहाँ पर दफनाया जाता था वहाँ के किंग्स को, जैसे बोला जाए कि सीमेंट मतलब उनको दफना के रखा जाता था, ठीक है। और वहीं से उसने वापस दोबारा से बाहर निकाला जा रहा है। कब बेटा, 80 साल के बाद में। 1922 में तो निकाला ही गया था बट उनको दोबारा से बाहर निकाला जा रहा है। डार्क बिलीड क्लाउड एंड स्टक्ड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल द नाउ वेयर वीलिंग द स्टार्स इन द कास्केड ग्रेव, ठीक है। सभी एकदम से जैसे डरावना सा माहौल हो गया। ऑब्वियस बात है कि किसी को कब्र में से निकाला जाएगा तो थोड़ा सा डरावना सा माहौल हो जाएगा। तो दोबारा सा हवाएं ऐसी चलने लग गई, अंग्रेजी गुस्से वाली अलग एक माहौल हो जाता है, मन में भी एक टेंशन होने लगती है। तो जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट ने वो निकाल रहे, फेरोज नाम है उनका, फेरोज, तो वो निकाल रहे थे उनको और उनके बारे में रिसर्च करना चाह रहे थे कि कैसे मरे थे, क्या करे दोबारा से, ठीक है। तो वो थोड़े से वहाँ पर माहौल जो ऐसा था वो थोड़ा सा डरावना हो गया। इट वॉज 6 PM ऑन 5th of January 2005, ठीक है। अब ये कब का समय है बेटा, 6 PM का शाम का टाइम का समय और 5 January 2005 की बात है। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस मम्मी ग्लाइड लैंड इन टू द सिटी स्कैनर brought here to probe the lingering medical mysteries of this title understood young ruler who died more than 3,300 years ago, जो 3,300 साल पहले मर चुका है, ठीक है। 3,300 साल पहले मर चुका है, उनकी जानकारी के लिए, मिस्ट्री उनके रिवील करने के लिए कि ये कैसे मरे थे, क्या क्यों मरे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए उनको एक सिटी स्कैनर में ले जाया जा रहा है। तो वो कब कर रहे हैं, इट वॉज 6 PM ऑन 5th of January 2005, ठीक है। All afternoon, usually line of the tourists from around the world had descended into the cramped, ठीक है। अब जब निकाला जा रहा था ऑब्वियस बात है कि बहुत सारे अब टूरिस्ट प्लेस बन जाती है इजिप्ट में, तो और अपने यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस जैसे ताजमहल एक तरह से टॉम, ठीक है। तो ऐसा वहाँ पर कि अब निकाला जाएगा तो और ज़्यादा भीड़ होने लगी। तो जो टूरिस्ट बाहर से आए थे वर्ल्ड से, बेटा वो सब एक जगह एकत्रित हो गए और वहाँ पर खड़े होकर उस चीज़ को देखने लगे, ठीक है। अब देखने में माहौल भी होगा, थोड़ा सा डर भी होगा, ऑब्वियस बात है पहले ही ऊपर थोड़ा सा शाम का टाइम है और ऐसी सारी चीज़ें कर रहे हैं तो हम लोगों में तो माना जाता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी। तो इस टाइप से मतलब उन लोगों ने वहाँ पर सब क्रिएट कर रखा था। रॉक कट टॉम सम 26 feet अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट, ठीक है। उसे रिस्पेक्ट देने के लिए भी आए कुछ कुछ कि हाँ फर्स्ट टाइम देख रहे हैं जिसके बारे में आज तक सुनते हुए आए रूलर के बारे में, और आज उसे फर्स्ट टाइम देखेंगे कि उसकी मम्मी कैसे निकल रही, मम्मी मतलब उसकी स्केल्टन, ठीक है, उसका ढांचा कैसे निकलेगा क्योंकि अब तो बॉडी बची नहीं होगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कैसे निकलेगी, कैसे दिखेगी, तो उनका केवल एक रिस्पेक्ट के लिए भी कि हाँ हम लोगों ने जिसके अंडर हम इतने सालों से रह रहे हैं वहाँ के इजिप्टियन जिसके बारे में सुना हुआ उसको देखने के लिए भी लोग उमड़ चुके थे। द गेज एट द म्यूरल ऑन द वॉक ऑन द ब्यूरल चैम्बर एंड पियर टू द टुट्स ग्लाइड फेस द मोस्ट स्टार्किंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउट द कॉफिन लिड, ठीक है। अब जो कॉफिन हुआ करता था बेटा उसके आसपास में मतलब कुछ लिख दिया जाता था, कुछ बना दिया जाता था, तो उसको जैसे ही साफ करा उसको बाहर निकाल रहे हैं तो सब एक दूसरे देखने लगे, ठीक है। तो उसे जैसे ही बाहर निकल के लेके आए, ठीक है। सम विजिटर रीड द गाइड बुक इन इस गाइड बुक, मतलब जैसे बोल सकते हैं अपने यहाँ की जैसे कुछ शांति के लिए कुछ बुक्स पढ़ी जाती है, होली बुक्स वगैरह, तो ऐसे वो सब खोले क्योंकि ऑब्वियस बात है वो प्रेत आत्मा तो नहीं है, कुछ नहीं हो जाए, मतलब ऐसे सबके र्यूमर्स रहते, अपने अपने खुद के पर्सनल क्वेश्चंस रहते माइंड में। तो कुछ साइलेंट में रूल बुक्स पढ़ रहे थे, रूल बुक्स मतलब कॉफिन को खोलने से पहले क्या क्या रूल होते हैं, ऐसे सब अपने कोई पढ़ रहा था, कोई देख रहा था, कोई एंजॉय कर रहा था, कोई अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, सब अपना अपना काम कर रहे थे वहां। अदर स्टूड साइलेंटली परहैप्स होल्डिंग टूट्स अनटाइमली दैट इन लेट टीनेज, कुछ सोच रहे थे कि ये इतनी जल्दी कैसे मर गया, इतनी जल्दी कैसे मर गया, तो इसको अब क्यों निकाला जा रहा है, ठीक है, निकाल के कौन सा अपना जिंदा कर लेंगे, क्या जान लेंगे, ठीक है। तो सबके मन में अपने अपने विचार है, सब अलग अलग कम्युनिटी से विचार रखने वाले थे। डेट और मिस फॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज एंड डिस्टर्बेंस इज वॉज रियली ट्रू, ठीक है, कि सही में भी इसकी मृत्यु हुई थी या फिर इसे मार दिया गया था, ये सब जानने के लिए उसको बाहर निकाला जा रहा था कि सच में भी सही ऐसा पता लग जाएगा कि हाँ इसकी मृत्यु हुई है, मर्डर हुआ था, वो मर्डर हुआ था तो अब उसका क्या होगा, क्योंकि जो आदमी 3,300 साल पहले मर चुका है उसके बारे में जानकारी बटी है। आर्कियोलॉजिकल ड्यूटीज है बेटा वो करते रहते।
The mummy is in very bad condition because of the quarters did in the 1920s, said Zahi Hawass. ठीक है, Zahi Hawass. अब जो वहां पर काम करने वाले साइंटिस्ट थे, जैसे बोल सकते हैं कि जो उनका काम कर रहे थे Zahi Hawass, उन्होंने बोला कि जो मम्मी है वो बहुत बुरी कंडीशन में, और किसकी वजह से? कार्टर्स की वजह से. कार्टर्स कौन थे? जिन्होंने 1922 में फर्स्ट टाइम में, मतलब 1920s में उनका फर्स्ट टाइम उसके कॉफिन से बाहर निकाला था, और उसे यू मतलब उसको उसका स्कैन कर, मतलब उनको सबको देखने के लिए कि मिस्ट्री जानने के लिए कि मरे कैसे थे, क्या कर रहे थे. तो उन्होंने कार्टर्स पे इल्जाम लगाया कि जो बेड कंडीशन में अभी मम्मी है, ठीक है, वो किसकी वजह से? कार्टर्स की वजह से, क्योंकि उन्होंने 1920 में इसे खोला था. ठीक है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ द एंटीक्विटी एज ही लर्न ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक. ठीक है, और ये फर्स्ट लुक किसने दिया था? जो मतलब उस टाइम पे जनरल सेक्रेटरी थे, कौन थे? कार्टर, हॉवर्ड कार्टर, है ना, कार्टर थे उनका नाम का, कार्टर, हॉवर्ड कार्टर के नाम से. दैट इज वाई द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिकल हु इन 1922 डिस्कवर्ड टू टॉम आफ्टर ईयर्स ऑफ फर्टाइल सर्चिंग. ठीक है, जिसे बोल सकते हैं फर्टाइल, मतलब जल्दीबाजी में सर्च करने के लिए उन्होंने खोदा गया था. ठीक है, हड़बड़ी में उसे खोदा गया, हड़बड़ी में उसकी जांच करी गई, और हड़बड़ी में उसे दोबारा से पैक करके रख दिया गया. ठीक, इन कंटेंट थ्रू द हस्टली रैंक स्कैट इन द एंटीक्विटी वेयर सरप्राइजिंगली कम्प्लीट. सरप्राइजिंगली मतलब इसका कोई सब कोई तुक तो निकला नहीं था, जिसे फॉर एग्जाम्पल कि पता चल जाए कि हम मर गए हों या जिंदा हो या फिर मार दिए गए हों, तो इसका कुछ नहीं. बस सरप्राइजिंगली उसे जितनी जल्दी उन्होंने निकाल के बाहर निकाला, सर्च करा, उतनी जल्दी उसे क्लोज करके वापस रख दिया गया. ठीक है, दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड हैव बीन बिकम द पार्ट ऑफ द फेरोज लीजेंड. ठीक है, बहुत फेरोज का जो उन्होंने सर्च करा था उन्होंने, तो उसको लीजेंड मतलब बहुत अच्छा, मतलब सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं रॉयल कलेक्शन, जिसे आर्कोलॉजी में सबसे ज़्यादा रॉयल कलेक्शन, क्योंकि इतने पुराने को निकाला भी सही और उसके साथ में कुछ निकला भी होगा, तो तत्व तो इतने साल पुराने के साथ में कुछ ना कुछ नए नए रहस्य निकले होंगे, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा लीजेंडरी वर्क माना जाता है. ठीक है, यस, नेक्स्ट है बेटा, स्टनिंग आर्ट फैक्ट इन द गोल्ड देयर इटर्नल ब्रिलियंसी मींस टू गारंटी ऑफ रिस्ट्रैक्शन कॉज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन. ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट अटेंशन इसी को मिला था. क्यों मिला था? कि इतने पुराने साल में निकाल रहे हैं और क्या होगा क्या नहीं होगा, और इस जांच के साथ में क्या होगा, सबको एक क्वेश्चन बना हुआ था. बट इट वॉज ऑलमोस्ट बुरीड एवरी डे थिंग्स ही वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ. ठीक है, और उस टाइम पे जो टूट को दफनाया गया था, तो वो जो डे बिलोंगिंग्स होते हैं, डे टू डे लाइफ की जो चीज़ें होती हैं, उसके साथ में दफनाया गया था. वो क्या क्या थी? बोर्ड गेम्स जो उनके साथ में खेले जाते थे, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल बोर्ड गेम में अगर कैरम की बात करें, चेस की बात करें, तो बोर्ड गेम थे, ऐसे बहुत सारे गेम्स हुआ करते थे जिसके साथ में उनको दफनाया गया था. ब्रॉन्ज रेजर, ठीक है, एक ब्रॉन्ज का रेजर था. ठीक, लिनन गारमेंट, लिनन के गारमेंट्स थे उनके. ठीक है, अंडर गारमेंट्स, कॉजेज ऑफ द फूड्स एंड द वाइंस, एक पूरा बास्केट उनका फूड और वाइन से भरा हुआ था, जिनके साथ में उनको दफनाया गया था. ठीक है, आफ्टर द मंथ ऑफ द केयरफुली रिकॉर्ड द फेरोज फ्यूनरी ट्रेजर. ठीक है, जिसे बोल सकते हैं दोबारा से उन्होंने देखा गया है कि जो क्रियाक्रम के समान थे उसके साथ में इन्हें दफनाया गया है. कार्टर्स बिगेन इन्वेस्टिगेशन हिज थ्री नेस्टेड कॉफिन. ठीक है, जो कार्टर्स ने जो इन्वेस्टिगेट करा था वो तीन कॉफिन के साथ में करा था, तीन कॉफिन उनके साथ में, जिसमें अलग अलग सामान थे और एक में वो खुद थे टूट. ठीक है, opening first time he found a shroud adorned with the garland of the willows and olive leaves and the wild calary lotus petals. lotus matlab jaise kamal ke phool jise bol sakte hain uske patte, and the corn flowers and the faded evidence of the moonlight in the march and april. jo sari cheeze unke paas se mili thi wo beta kya thi? गार्लैंड ऑफ द विलोज, विलोज के कुछ गार्लैंड जैसे बुके वगैरह, ठीक है, ऑलिव्स के लीव्स थे. तो इनसे सबसे जज करा गया है कि उन्हें मार्च अप्रैल में दफनाया गया हो. किसको? टूट को. इन सारी चीज़ों से आर्कोलॉजी का मतलब जो निकाला उन्होंने, कार्टर्स ने, कि हाँ ये सारी चीज़ें निकली, तो एक जो तीन कॉफिन थे उसमें से एक में से ये निकला, तो उन्हें पता लग गया था कि हाँ जब दफनाया गया हुआ टूट को, तो मार्च अप्रैल का समय हुआ होगा जब दफनाया गया होगा. ठीक है, व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, जब वो मम्मी पे पूछे, जो मेन कॉफिन था जिसमें टूट को रखा गया था, वो उसमें पूछे, टू ही रैन इनटू द ट्रबल, वो ट्रबल मतलब दिक्कत में आ गए. द रिचुअल रेंस द हार्ट एंड सेडिमेंट सीमेंट्री टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन. अब जो गोल्ड वोल्ड के साथ में उनको दफनाया गया था, तो उसके साथ में एक लिक्विड टाइप डाला जाता है बेटा, जिससे वो कि वो वहीं पर चिपके रहे और वो कुछ एटमोसफियर की वजह से चिपक जाता था. तो जैसे बॉडी है उसके नीचे गोल्ड वगैरह लेके गए थे वो, जैसे गोल्ड के साथ दफनाया गया था, तो वो चिपक गए थे उससे बिल्कुल. अब उससे अलग हटाने के लिए उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि मम्मी को अलग हटाना है क्योंकि प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वो चिपक चुके हैं. ठीक है,
तो वो सबसे बड़ा टास्क था. नो अमाउंट ऑफ लेजिटमेट फोर्स कुड बी मूव देम. ठीक है, कोई सा भी ऐसा कोई सा भी चीज नहीं थी कि जिससे उसको मूव कर सके, अलग अलग कर सके. ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरीके होते हैं सबके अपना सॉल्यूशन डाल के निकालना. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे गर्म चीज से किसी चीज को अलग अलग कर देना बोलते हैं हम लोग, तो ऐसा उन्होंने देख लिया तो बाकी उनको मूव नहीं कर पा रहे थे अलग अलग. कार्टर्स रोड लेटर व्हाट वाज टू बी डन, और उन्होंने बाद में लिखा कि इसके साथ में क्या किया जाए. ठीक है, द सम कैन बी बेट डाउन लाइक ए हैमर दिस फॉर साउथ इंडी इजिप्ट एंड कार्टर ट्राई टू यूज टू लूजन दी रेंज. ठीक है, अब उन्होंने बोला, सबने बोला, बोला किसी ने हथौड़े से मारा जाए इसको धीरे धीरे से, ताकि ये रेंज से जो लाइन बनी हुई है आसपास में उसके जो मम्मी है उसके आसपास में जो जिसकी बॉडी है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर सोना है, तो उसको हथौड़े से मारा जाए तो शायद ये नीचे निकल जाए और बॉडी बॉडी ऊपर. अब तो क्या हड्डियाँ बची थी, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा निकाला जाए. ही सेट हिज मम्मी आउटसाइड इन द ब्लेजिंग सन, बट उन्होंने दिमाग लगाया कि इसे धूप में रखने से या एक टेम्परेचर पर रखने से ये पिघल के अलग हो जाएगा सोना, और इनकी बॉडी अलग हो जाएगी, मतलब जो हड्डियाँ वगैरह हैं वो जो इनका स्केलेटन है वो अलग हो जाएगा. तो उन्होंने क्या करा, ही सेट हिज मम्मी आउटसाइड इन द ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 149 फ़ारेनहाइट डिग्री को उसे रखा गया ताकि ये शायद जो ग्लू है जिसकी वजह से चिपक गया है, ठीक है, ये अलग हो जाए पिघल जाए, और ये जितना भी सोना इनके नीचे आसपास में है वो अलग हो जाए, और इनका जो स्केटल है वो अलग अलग हो जाए. नथिंग बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. ठीक है, नथिंग ऐसा कुछ भी नहीं. ही रिपोर्टेड विद द साइंटिफिक डिसअटैचमेंट एट द कॉन्सुलेटेड मटेरियल हैड टू बी चिल्स अवे फ्रॉम द बीनिथ एंड लाइन्स एंड ट्रंक्स बिफोर इट वॉज पॉसिबली रेस्ट टू द किंग्स रिमेन्स. ठीक है, अब इन्होंने लिख दिया कि ये सारी चीज़ें अलग नहीं हुई जब तक इन्हें अलग नहीं किया जाएगा अलग तरीके से. इन हिज डिफेंस कार्टर्स रियली हैड अ लिटिल चॉइस, उनके पास में कुछ भी चॉइस नहीं बची थी कि अब इसे क्या करा जाए. ठीक है, इफ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री थीव्स मोस्टली सर्टेनली वुड हैव द सर्कमटेंटेड द गार्ड एंड द रिप्ड इट अपार्ट रिमूव टू द गोल्ड. ठीक है, अब उनके पास में ये था कि अगर इन्होंने निकाल तो लिया, अगर आप यहीं छोड़ के चले जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी उस टाइम पर. ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो उनसे ज़्यादा आस्था रखते हैं, या तो फिर वो उनकी मम्मी को ले जाएंगे दोबारा से दफना देंगे, या फिर वहाँ के जो चोर हैं इसे तोड़ फोड़ करके वो ले जाएंगे, और कौन रात में कौन ध्यान देगा या फिर इतने दिनों तक कौन ध्यान देगा, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम था. तो उन्होंने लिखा उनके उसमें कि इसे ऐसे ही छोड़ के जाते हो अगर मान लो कि ऐसे कैसा कि दूसरे दिन का वेट करते हैं तीसरे दिन का वेट करते हैं, प्रॉब्लम होती है उनके लिए, तो इसलिए उन्होंने क्या करा वो बताया गया. इन टूट टाइम द रॉयल वेयर फेबुलसली वेल्थी. ठीक है, जब टूट के टाइम में फेबुलसली वेल्थी हुआ करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा रिच हुआ करते हैं बेटा. एंड दे थॉट और होप्ड दे वुड टेक देयर रिचेस विद देम. ठीक है, और उस टाइम पे जब माना जाता है 3000 साल पहले जितनी भी चीजें उन्होंने कमाई है, जो भी उनके फेवरेट चीजें हैं या फिर जो भी उन्होंने कमाया है, जो भी वो चाहते हैं वो उनके साथ में ले जाए, इसीलिए वो गोल्ड वगैरह सब उनके साथ में था. आजकल तो ऐसा होता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जब भी चीजें केवल बॉडी दफनाई जाती है उसके बिलोंगिंग्स नहीं दफनाए जाते, तो बस. और आजकल तो कहावत भी कुछ लेके ही नहीं आए तो कुछ लेके कैसे जा सकते हो, तो वैसे ही कुछ. बट यहाँ पर कुछ अपोजिट था, जितना भी वेल्थ वो कमाते थे वो लेके जाते थे. ठीक है, तो वहाँ साथ में, अब उनके साथ में क्या क्या था टूट के साथ में. अगर किंग टूट वॉज लेविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, ग्लिटरिंग गुड मतलब चमकदार जिसे बोल सकते हैं, बिल्कुल अलग से यूनिक क्या क्या था वो देखते हैं. प्रीशियस कॉलर, ठीक है, इनलेट नेकलेस, ब्रेसलेट, रिंग्स, आमलेट एंड अ सेरेमोनियल अपॉन सैंडल शिट ऑफ हिज फिंगर्स एंड टो एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क. ठीक है, आइकॉनिक मतलब बिल्कुल यूनिक जिसे बोल सकते हैं, गोल्ड का कॉफिन बना के उनके लिए भेजा गया था, उसी में दफनाया गया था. ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, सारे प्योर गोल्ड के थे, ये सारी चीजें जितनी भी थी वो सब प्योर गोल्ड प्योर गोल्ड के. टू सेपरेट द टूट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट द कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मी हेड एंड सर्व्ड नियरली एवरी मेन मेजर जॉइंट्स. अब जो उनके कार्टर्स के मेन जो आदमी थे उन्होंने क्या करा कि उनके जिसम गले के यहाँ से थे, ठीक है, गले में उन्होंने हार पहन रखा था, गले के यहाँ से उनका स्कैंडल तोड़ दिया. ठीक है, यहाँ से जॉइंट्स हटा दिया, यहाँ से आमलेट्स वगैरह निकाल लिए. ठीक है, यहाँ से जॉइंट हटा दिया, कमर में कुछ पहन रखा था, कमर के जो स्केल्टन वाला पार्ट है वो अलग हटा दिया, वहाँ से वो सारे जो आर्नामेंट्स है वो निकाल लिए, पैर के वहाँ से निकाल लिया, सारे जॉइंट्स पे से उनको अलग अलग पार्ट में कर दिया गया. ठीक है, अब उसके बाद में जब निकाल दिया गया उसके बाद में कह रहा हूँ, वंस दे हैड फिनिश्ड दे हैड रिजेंबल्ड द रिमेनिंग लेयर ऑफ द साइड इन द वुडन बॉक्स. अब उन्हें जो गोल्ड के बॉक्स में रखा था उसके बाद में उन्हें अब वुडन बॉक्स में शिफ्ट कर दिया गया, वुडन बॉक्स में रख दिया विद द पैडिंग एंड द कंसील्ड द डैमेज द बेड वेयर टू नाउ रेस्ट. ठीक है,
अब जो उनका बेड था वो रेस्ट में वापस दोबारा से दफना देगा। 1922 की बात है, अब जो सोने वोने की चीज़ें थी वो तो सब निकाल ली गई, अब ये वापस इन्हें उसमें रख दिया गया। कुछ अब रेत वेत में उन्हें सैंड मिला के रख दिया गया, जैसे कि जैसे 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 जोड़ के, ठीक है। आर्कियोलॉजी हैज चेंज सब्सिक्वेंटली इन दी इन्वेस्टिगेशन टिकेट्स, ठीक है। अब वहाँ से लेके अभी तक जो आर्कियोलॉजिकल बेटा उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन का तरीका चेंज हो गया। अब क्या हो गया देखिए, फोकसिंग लेस टू द ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल फ्रॉम द लाइफ इंटरव्यूइंग हिस्ट्री ऑफ द डेड, ठीक है। अब जो ट्रेजर हुआ करते थे, ट्रेजर मतलब धन दौलत वगैरह 1922 के बाद में, अब आज 2005 की बात कर रहे हो कि जब वो चेंज हो चुका। अब पहले लोग ट्रेजर के पीछे भागते थे जैसे कार्टर वगैरह वहाँ पर सोने वगैरह के लिए, बट आजकल वो चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि आजकल वो डेट मतलब डेट और एलआई के बाद के कितने साल पहले मरे थे, कैसे मरे थे, ये सारी चीज़ों में इन्वेस्टिगेट करने लगे हैं। बट अब उनको ज़्यादा ट्रेजर से ज़्यादा लालच नहीं है। इट इज ऑल्सो यूज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल इंक्लूडिंग द मेडिकल टेक्नोलॉजी। अब सोफिस्टिकेटेड मेडिकल टूल्स वगैरह आ गए, मेडिकली प्रूवन कि हाँ ऐसे सिटी स्कैन वगैरह आ गए, एमआरआई वगैरह आ गए, तो स्केल्टन का एमआरआई वगैरह करके सब पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई, तो वो आजकल ट्रेजर पर ध्यान नहीं देते वो आजकल कि कब मरे थे, ऐसी सारी चीज़ें क्वेश्चन जो हम लोगों को इधर उधर डाइवर्ट करती हैं वो सारे क्वेश्चन के आंसर पे वर्क करते हैं। इन 1968 मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर द कार्टर्स डिस्कवरी, ठीक है, 40 साल के बाद में एन एंटोमी प्रोफेसर एक्सरे द मम्मीज एंड रिवील्ड अ स्टार्लिंग फैट बिनीथ द रीजन द केक ऑफ हिज चेस्ट एंड हिज ब्रेस्ट बोन एंड द फोर हम मिसिंग, ठीक है। एक उनके रिसर्च के बाद में 40 साल के बाद में जब दोबारा से इसे रिसर्च करा गया तो पता चला कि जो बैकबोन है एक मम्मी की, ठीक है, वो बैकबोन, उसके रिब्स, पसलियाँ, ठीक है, एक स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी चीज़ें गायब है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कॉफिन से गायब है। अब गायब कैसे हो सकती है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फोल्ड होगा। लेट्स सी, टुडे डायग्नोस्ड इमेजिंग कैन बी कंप्यूटेड बाय द टोमोग्राफी, टोमोग्राफी से कंप्यूलेट करी जाती है, और सिटी बाय द हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे इज अक्रॉस द सेक्शन एंड पुट टुगेदर लाइक ए स्लाइस ऑफ ब्रेड टू द क्रिएट अ थ्री डायमेंशनल वर्चुअल बॉडीज, ठीक है। अब अलग अलग ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, और तीन चारों को एक साथ रख दिया जाए तो एक वर्चुअल इमेज 3D बन सकती है। आजकल देखा होगा कि ये ऐसे सोए होंगे, बताते जैसे अभी बहुत सारे न्यूज चैनल में देखा होगा राम जी इतने बड़े थे, ऐसे ऐसे लिटाए गए, कुंभकर्ण इतने बड़े थे ऐसे, तो 3D इमेज बताई गई उनकी कि हाँ ऐसे रखते होंगे, ऐसे दिखते होंगे, तो एक वो विजुअलाइजेशन क्रिएट करने लग गए बेटा, ठीक है। डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, व्हाट मोर वुड ए सिटी स्कैन रिवील ऑफ टू, ठीक है, क्या सिटी स्कैन और रिवील कर सकता है टूट के बारे में। लेट्स सी द एक्सरे, ठीक है, एंड कुड आंसर द टू बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, ठीक है। दो बिगेस्ट क्वेश्चन जो उनके बारे में है कि नहीं वो बता सकता है कि नहीं, हाउ डिड ही डाई, ठीक है, वो कैसे मरे थे एंड हाउ ओल्ड ही वॉज एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और वो कितने साल के थे जब वो मरे थे। ये दो क्वेश्चन बहुत बड़े थे और इसी के लिए आंसर सर्च कर रहे थे। थिंग टू डिसमिस वॉज अ बिग इवेंट, ठीक है, उनका बिग इवेंट मतलब बहुत बड़ा एक झटका था, क्यों था वो बताते बेटा। इवन बाई दी रॉयल स्टैंडर्ड, जब रॉयल फैमिली होती है उनकी तरफ से भी, क्योंकि सबसे यंगेस्ट थे और सबसे ज़्यादा रूल करने वाले थे और इतने सेंचुरी से रूल कर रहे थे और सब इतनी जल्दी मर गए टीन एज में, तो वो सबसे बड़ा डिसमिस था, मतलब सबसे बड़ा ड्रॉप, मतलब उनका जो मरने का था वो सबसे बड़ा मतलब दुखद एक मोमेंट था उनके लिए। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, ठीक है, उसके फैमिली का सबसे लास्ट मेम्बर थे वो। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेड रेटल ऑफ द डायनेस्टी, फ्यूनरल मतलब आत्मा जो आखिरी यात्रा थी वो कहीं ना कहीं उनकी डायनेस्टी का भी अंत हो गया। बट दी पर्टिकुलर ही इज पासिंग अवे इट वॉज द आफ्टर मेथ आर अनक्लियर, और अभी तक मरने के बाद में भी अनक्लियर है कि वो कैसे मरे क्या मरे। रिमेनिंग चैप्टर वी विल डिस्कस टुमारो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे।